अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर फिजान। वैसे मैं किसी भी करंट इवेंट पे कोई वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियो तब बनाऊँ जब मेरे पास टाइम हो, जब मेरा दिल चाहे और जिस टॉपिक पे मेरा दिल चाहे। लेकिन क्योंकि ये सिचुएशन जो पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है और एक इन्फॉर्मेशन का वैक्यूम है अभी भी फॉर पेशेंट्स एंड डेंटिस्ट कि वो क्या करें, तो मैं सोचा इसको थोड़ा सा एड्रेस कर दूँ। मैं ज़्यादा इसमें जाना नहीं चाहता डिटेल में, कोरोना वायरस क्या है आप लोगों को बहुत पता है, टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह यही न्यूज़ आ रही है सिर्फ। बट कुछ बातें हाईलाइट करना चाहता हूँ कि 260,000 एज ऑफ टुडे लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, 11,000 से ज़्यादा लोग वर्ल्ड वाइड इससे डेथ हो चुकी है उनकी। जिन जिन कंट्रीज ने इसको लाइटली लिया उसमें बहुत तेज़ी से फैला। यंग हेल्दी लोगों में इसका फेटेलिटी रेट कम है, और जो 65-70 से ऊपर है और जिनको और भी कोई मेडिकल कंडीशन है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, उसमें फेटेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो यंग लोग हैं वो इससे इम्यून है, ये एरोसोल से फैलता है। मतलब अगर किसी की जो इन्फेक्टेड है वो खांसे या छींके, जो वो निकला है उसके मुंह से, वो आपके भी लग सकता है, या अगर वो कहीं जाके लगा वो चीज़ और फिर आपने वहाँ जाके हाथ लगा लिया और फिर आप अपनी नाक पे या मुंह पे या आँख पे इस किसी जगह हाथ लगा रहे हैं तो फिर आपको भी लग सकता है। आज 21 मार्च 2020 है, अब तक इसका कोई क्योर नहीं आया। अब तक इसको रोकने के सिर्फ दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों से दूर रहें, दूसरा बेसिक हाइजीन, हाथ धोएं, डिसइनफेक्ट करें जगह जहाँ पे आप हैं, मुंह पे ना लगाएं हाथ हर थोड़ी देर बाद। ज़रा इस ग्राफ को देखें, ये एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल पब्लिश किया है जिससे पता लग रहा है कौन सा प्रोफेशन कितना ज़्यादा एक्सपोजर है उसका वायरस से। कैशियर जो लोगों से गंदे नोट लेते हैं, इन्फेक्टेड नोट लेते हैं और फिर रखते हैं अपने पास, उनका ये एक्सपोजर है। पैरामेडिक्स और नर्सेज जो हर वक्त पेशेंट्स के साथ हैं या उनके करीब हैं, उनका बहुत ज़्यादा है। अब टॉप ऑफ द ग्राफ देख लें, डेंटिस्ट सबसे ज़्यादा बाय प्रोफेशन अगर कोई ज़्यादा एक्सपोजर है वायरस का या चांस है इन्फेक्ट होने का, वो डेंटिस्ट को है। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, सब लोगों से कहा है कि लोगों से दूर रहें, और डेंटिस्ट पेशेंट के मुंह के बिल्कुल साथ काम कर रहा होता है और जो चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहा है उस सब चीज़ से पेशेंट के मुँह के अंदर एरोसोल या ड्रॉपलेट्स जनरेट हो रहे हैं। और डरने की बात यह है कि अगर आप या आपके स्टाफ में किसी को एक्सपोजर हो गया वायरस से और आप इन्फेक्टेड हैं, तो 14 दिन तक ज़रूरी नहीं है कि आपके कोई सिम्टम भी आए, आप बिल्कुल नॉर्मल होंगे, आप घर जाएंगे और बाकी सब घर वालों को, अम्मी अब्बू सबको कराएंगे इन्फेक्शन और आपको पता भी नहीं लग रहा हो कि आप करा रहे हैं। इससे एक और बात निकलती है जिस पे कोई बात ही नहीं कर रहा, कि अगर डेंटिस्ट का इतना ज़्यादा एक्सपोजर है वायरस से क्योंकि वो पेशेंट के बिल्कुल मुंह के साथ काम कर रहा है, तो पेशेंट भी तो उतना ही करीब है ना डेंटिस्ट से, हो सकता है डेंटिस्ट को वायरस हो और पेशेंट को हो जाए। इसलिए मैं पेशेंट से कहूंगा प्लीज़ सिर्फ इमरजेंसी केसेस के लिए डेंटिस्ट के पास जाएं, वरना घर पे बैठें। अब आ जाते हैं कि करना क्या चाहिए फिर डेंटिस्ट को। जो मैं बता रहा हूँ ये मेरी अपनी गाइडलाइंस नहीं है, ये यूके, कनाडा, यूएसए और दुनिया के सारी टॉप जो डेंटल एसोसिएशन है उनकी रिकमेंडेड गाइडलाइंस है अब तक की। क्योंकि सारी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग लेने के बावजूद, बेस्ट प्रैक्टिस करने के बावजूद, वायरस से बच के डेंटिस्ट्री करना फिर भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रिपल सिरिंज, हाई स्पीड हैंडपीस, स्केलर टिप, इन सब से पेशेंट के मुंह के अंदर से एरोसोल जनरेट हो रहे हैं और एरोसोल से ही वायरस फैलता है। और एरोसोल जब मुंह के अंदर से जनरेट हो रहे हैं तो आप हवा से भी ले सकते हैं, और फिर जब एरोसोल जाके कहीं लगेगा सरफेस के ऊपर, फिर आप उस पर हाथ लगाएंगे और फिर अपने मुंह पे लगाएंगे, फिर भी लग सकता है आपको। क्लिनिक में अगले एटलीस्ट 2-3 हफ्ते तक सिर्फ इमरजेंसी या अर्जेंट केस होंगे। ये अपने वेबसाइट पे अपने क्लिनिक के बाहर लिख के लगा दें और पेशेंट्स को मैसेज भी कर दें, न्यू कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट्स पोस्टपोन, जो पुराने पेशेंट्स की फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स है उसको भी पोस्टपोन कर दें। जितने पेशेंट्स की अभी ऑनगोइंग ट्रीटमेंट चल रही है उन सबको बाहर निकालें, पेपर पे लिखें और देख लें कौन सा वाला है जो बहुत अर्जेंटली करना है, सिर्फ उसको कर लें। और जो पेशेंट आपके पास आ रहा है उसको प्लीज रिक्वेस्ट कर दें कॉल करके कि प्लीज अकेले आए, डिस्पोजेबल गाउन यूज करें ताकि वहीं यूज करें और वहीं फेंक के आ जाएं, घर लेके नहीं आए। जिस प्रोसीजर से एरोसोल निकल रहे हैं उनको सिर्फ इमरजेंसी और अर्जेंट केयर के लिए रिजर्व कर दें। आई नो पैसे कम जनरेट हो रहे हैं, लेकिन जितना फर्क आपको पड़ रहा है ना पैसे कम जनरेट होने में, उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा स्टाफ को, तो उसकी सैलरी प्लीज़ टाइम पे दे दें और पूरी दे दें। और अगर कोई स्टाफ बीमार है या सिम्टम दे रहा है उसको कहें प्लीज़ घर पे बैठे हैं कम से कम 14 दिन, और उसकी सैलरी फिर भी उसको पूरी दे देगा। इसके साथ साथ वेटिंग रूम और जितने वर्क सर्फेसेज हैं उनमें जो भी रफ चीज़ें हैं, जैसे वो कारपेट है या एक्स्ट्रा डेकोरेशन पीस है, उन सब चीज़ों को हटा दें अगले कुछ दिन के लिए, ताकि सफाई ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा अच्छी तरह हो सके। और एक प्रोटोकॉल रख लें कि जैसे ही पेशेंट एंटर हो दरवाजे से, सबसे पहले उसके लिए हैंड सैनिटाइज़र रखा हो ताकि वो अपने हाथ को साफ कर ले, और उसके एंटर होने के बाद दरवाज़ा जहाँ उसने हाथ लगाया वो डिसइनफेक्ट होगा। फिर जब ट्रीटमेंट हो जाएगी और वो बाहर जा रहा होगा तब फिर दरवाज़ा डिसइनफेक्ट होगा। अभी हमने कहा कि सिर्फ इमरजेंसी और अर्जेंट ट्रीटमेंट्स करें क्लिनिक पे, तो ये कौन सी हैं? अगर किसी पेशेंट की अनकंट्रोलेबल पेन है या अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग है और ये ट्रीटमेंट नहीं करें आप, तो उसकी ज़िंदगी पे अगले 3 से 6 महीने के लिए बहुत सिवियरली और नेगेटिवली इम्पैक्ट आएगा उसकी लाइफ पे, ये एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। इसकी एक एक्सेप्शन ये भी हो सकती है कि अभी आपने किसी की ट्रीटमेंट की थी और अब उसके सूचर खुलने की अपॉइंटमेंट है,
तो वो आप कर सकते हैं ताकि उसकी कंप्लीट हीलिंग हो जाए। बाकी सारी ट्रीटमेंट्स डिले हो सकती हैं जब तक कि COVID-19 की जो क्राइसिस है ये ख़त्म या कम नहीं हो जाती। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपको पेशेंट कॉल करता है एमरजेंसी से, आप सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेंगे। क्या 14 दिन में वो कहीं बाहर से ट्रैवल करके आया है? क्या उसे घर में किसी को सिम्टम है कोरोना वायरस के या वायरस है? या उसको कोई खांसी बुखार या नज़ला पिछले कुछ दिनों में शुरू हुआ है सिवियर? अगर आपको लगता है हिस्ट्री लेने के बाद कि ये बंदा या तो उसको शायद कोरोना वायरस हो या ये एक्सपोज बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है कोरोना वायरस के किसी पेशेंट के साथ, तो प्लीज़ आई वुड नॉट एडवाइस कि आप उसको क्लिनिक पे बुलाएं प्रोसीजर के लिए। आई वुड एडवाइस कि आप उसको बोल दें कि प्लीज़ किसी हॉस्पिटल सेटिंग में जाके अपना डेंटल इमरजेंसी प्रोसीजर करवा लें। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास इमरजेंसी पेशेंट आ ही गया है जिसका काम करना ही करना है, तो आप कौन से स्टेप्स ले सकते हैं कि आपका एरोसोल से एक्सपोजर कम हो और एरोसोल भी कम प्रोड्यूस हो। सबसे पहले आपने N95 का मास्क पहनना है, डिस्पोजेबल गाउन पहनना है आपने, आई वेयर पहनना है और अगर हो सके प्रेफरेबली तो फेस शील्ड पहन लें। पेशेंट का प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले उसको एंटी माइक्रोबियल रिंस कराएं। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन कहती है कि एटलीस्ट वो वाला यूज़ कराएं रिंस जिसके अंदर 1% हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो। वो प्रोसीजर जिसके अंदर एरोसोल प्रोड्यूस होंगे या तो वो मिनिमाइज करें या अवॉइड करें। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इमरजेंसी पल्प चेंबर इरिवर्सिबल पर्पाइटिस के लिए कोई पेशेंट आता है ट्रीटमेंट के लिए, आपने चेंबर खोलना है, रबर डैम के बगैर ना किएगा। अगर आपने मुंह वॉश करना है तो ट्रिपल सिरिंज से दोनों बटन एक साथ ना दबाएं ताकि स्प्रे ना बने। पहले पानी मार दें हल्का सा, उसके बाद फिर हल्का सा हवा मार दें, एक साथ ना मारें। चाहे कोई भी प्रोसीजर हो, हाई स्पीड सक्शन आपने यूज़ करनी ही करनी है। वो प्रोसीजर जिससे पेशेंट खा सकता है जैसे एक्सरेज लेना, वो अवॉइड करें या मिनिमाइज करें। अगर दांत निकालने तो कोशिश करें कि वो नॉन सर्जिकली निकलाए। ये सब चीज़ें करने से होगा क्या? आपका एक्सपोजर कम होगा वायरस से, आपका स्टाफ का एक्सपोजर कम होगा वायरस से, और फिर स्टाफ की फैमिली का एक्सपोजर कम होगा वायरस से, और आपकी फैमिली का एक्सपोजर कम होगा वायरस से। प्लीज़ ये वीडियो हर डेंटिस्ट शेयर करें, हर डेंटिस्ट स्टूडेंट शेयर करें, हर पेशेंट को शेयर करें, ताकि सबका इस वायरस से एक्सपोजर कम हो, और दूसरी बात कि इस वायरस के स्प्रेड को रोकने में मदद करें। घर पे रहें, सेफ रहें, साफ रहें, YouTube पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।